सबसे पहले मैं जाऊंगा माँ दक्षिणेश्वर से पूजा देके, उसके बाद आद्यापीठ, उसके बाद बेलूर मठ। तो देखिए दोस्तों, अभी 6:05 हुए हैं, ज्यादा दर्शनार्थी भी नहीं है। अभी इधर से निकल जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही सुकून भरी पूजा देके अभी हम लोग निकल जा रहे हैं। बाद में आपको बताऊंगा सबसे अच्छा समय। तो इसके बाद हम কেমন আছেন আমার বন্ধুরা? গুড মর্নিং দোস্ত, গুড মর্নিং ফ্রম কলকাতা পাটুলি। অভি মে হুম, দেখিয়ে বাই তরফ। অভি মে আপনি অঙ্কেল কে সাথ যা রা হুম দক্ষিণেশ্বর টেম্পল, মা দক্ষিণেশ্বর টেম্পল যো কালী টেম্পল সে নাম সে ভি প্রসিদ্ধ হে, ও দেখিয়ে বাই তরফ কনস্ট্রাকশন চল রা হে। অভি মে উসি টেম্পল পে যা রা হুম দোস্ত। সডনলি প্ল্যানিং হুয়া হে, রাত কো তো সুবহে নিকল যা রে হে। অভি সবসে পহলে মে যাউঙ্গা মা दक्षिणेश्वर से पूजा देके, उसके बाद आद्यापीठ, उसके बाद बेलूर मठ, फिर से घर चले आऊँगा। ये देखिए हमारे लंदन शहर कोलकाता में स्थित है छोटा सा, हमारा प्यारा सा कोलकाता। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:45 हुए हैं, मंदिर देखिए पूरा खाली खाली लगा है। तो सबसे पहले धनों को साइड में लगा देते हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर पे। पूरा पार्किंग स्लॉट खाली है, देखिए ज़्यादा गाड़ी और बाइक भी नहीं है, थोड़ा सा है। इसी साइड में अपने धनों को पार्क कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी 6:05 हुए हैं, ज़्यादा दर्शनार्थी भी नहीं है, तो जल्दी पूजा देना हो जाएगा ऐसा उम्मीद है। ज़्यादा दर्शनार्थी नहीं है तो इस वजह से देखिए मैं और मेरे अंकल आए हैं अभी। तो अभी पूजा डाली लेने जा रहे हैं, जो प्रसाद भेंट चढ़ाएंगे उसको लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रसाद और फूल ले लिए, माँ के पास जा रहे हैं अभी पूजा देने के लिए। इस दुकान से हम लोगों ने लिए है प्रसाद। तो दोस्तों हम लोगों का पूजा देना हो गया है, बहुत ही आराम से हम लोग पूजा दे के निकल गए हैं, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। मैं बाद में आपको बताऊंगा सबसे अच्छा समय। तो इसके बाद हम लोगों ने गए हैं माँ गंगा के पास, जाके थोड़ा सा तस्वीर वस्वीर खिंचवाए। तो दोस्तों अभी सुबह के 7:40 ही हुए हैं, अभी इधर से निकल जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही सुकून भरी पूजा दे के अभी हम लोग निकल जा रहे हैं, क्या बोलूँ दोस्तों, बहुत ही सुकून भरी। ज़्यादा भीड़ नहीं था मंदिर के अंदर, बहुत ही सुकून से पूजा दिए, उधर मंदिर जाके बैठे थे बहुत देर तक। उसके बाद जहाँ पर हम लोग चप्पल रखे थे उधर जाके चप्पल पहन के फिर हम लोग गंगा के बाजू में गए, थोड़ा सा तस्वीर खींचवाए। अभी इधर से निकल जा रहे हैं, इधर हर एक घंटे का 10 रुपये लगता है बाइक पर। अभी पैसे दे देते हैं, अभी 20 रुपये ले लिए, 5 मिनट कम था फिर भी 20 रुपये ले लिए, फिर भी कोई बात नहीं। अभी इधर से निकलते हुए सबसे पहले हम लोग हमारे पेट पूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे माँ आद्यापीठ दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर देख रहे हो ये सपनों में आया था, ये माँ का मंदिर। तो इधर आद्या माँ भी है और एक भगवान है इधर विराजमान है, और इधर से आपको खाने का टिकट मिल जाएगा, देखिए इधर से, और पीछे वाले पीछे खाने का जगह है, और मेन जो आद्या माँ का मंदिर है वो सामने है, मैं दिखाता हूँ। ये जो लाइनों पे खड़े रहे हैं ये आद्या माँ को, आद्या माँ के पूजा के लिए खड़े हैं अभी। तो इधर से आद्या माँ को देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोग पूजा देना चाहते हो तो इधर से लंबे लाइन लगा के इधर इधर है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ तस्वीर खिंचवाई, ये एकदम मंदिर के सामने वाला मंदिर है, कुछ तस्वीर वस्वीर खिंचवा के फिर से हम लोग निकल गए। अभी दोस्तों 8:14 हुए हैं, अभी माँ का दर्शन हो गया है, इधर से हम लोग जा रहे हैं बेलूर मठ। तो कुछ तस्वीर भी खिंचवाए हम लोगों ने, तो तस्वीर खिंचवा के फिर से हम लोग जा रहे हैं बेलूर मठ। तो दोस्तों मैं इधर आके एक चीज़ नोटिस किया, इधर बहुत ही सुबह सुबह अगर आते हो पूजा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है,
आराम से आप लोग पूजा दे सकते हो। बहुत देर तक इधर खड़े रह के माँ के साथ अपने मन के बात भी शेयर कर सकते हो। तो इधर सुबह सुबह आके आप लोग पूजा दे सकते हो, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग दक्षिणेश्वर मंदिर आते हो तो ज़रूर से सुबह सुबह आने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा ही होगा, हम लोग बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से पूजा दे के निकल गए इधर से। तो फाइनली दोस्तों बेलूर मठ चले आए, उधर से लगभग ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भी अभी सुबह सुबह आए तो रोड में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, उस वजह से बहुत ही जल्दी चले आए। अभी सबसे पहले मैं अपने धनो को पार्क करूँगा, उसके बाद मेन गेट होते हुए अंदर जाऊँगा। तो दोस्तों ये गेट से हम लोग एंटर किए बेलूर मठ के अंदर। ये है अंदर का पूरा नज़ारा। और दोस्तों ये है बेलूर मठ का मेन मंदिर, रामकृष्ण मंदिर। भगवान रामकृष्ण जी इधर ही विराजमान है। ये है दोस्तों चारों तरफ का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। फिर से हम लोग कुछ तस्वीर खिंचवाए बहुत सारे, उसके बाद कुछ आजू बाजू के मंदिर जाके दर्शन किए भगवान के, उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। लेकिन और एक ट्विस्ट है दोस्तों, जब मैं अंकल को लेके आया उसके बाद, उसके दूसरे दिन ही मैं सुपर्णा को लेके इधर आया घूमने के लिए। लेकिन इधर आके मैं यहाँ का प्रसाद लिए कूपन लेके, इधर से हम लोग आके कूपन लिए। इधर कूपन का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आप अपने हिसाब से इधर डोनेशन कर सकते हो। फिर हम लोग इधर आके लाइन में खड़ा हो गए। ठीक बाजू में माँ गंगा बह रहा है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जब गेट खोल दिए थे तो तब इधर से होते हुए हम लोग जा रहे थे प्रसाद लेने के लिए। सब लोग जा रहे हैं, वो जो सफ़ेद बिल्डिंग है उसके नीचे ही हम लोग जा रहे हैं। वो बिल्डिंग के नीचे देखिए बहुत सारे भक्त जन जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, उसमें हम लोग भी हैं। इधर दोस्तों बहुत सारे भक्त जन आए हैं प्रसाद लेने के लिए, देखिए उनमें से हम भी हैं, और पीछे से और भी लोग आ रहा है। हम सब लोगों के प्लेट में खिचड़ी प्रसाद दे के गया, अभी आएगा सब्जी देने के लिए। ये देखिए गाड़ी आ रहा है, सब्जी का गाड़ी, सब्जी देने के लिए। ये प्रसाद दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट था, मैंने तो 2-3 बार लिए थे, बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रसाद खाने के बाद हम लोग पीछे से निकल गए हैं, क्योंकि जिस जगह से हम लोग घुसे थे वो गेट बंद कर दिए थे। तो दोस्तों पहले दिन जो मैं अपने अंकल को लेके गया था, लगभग 11:30 बजे के अंदर मैं अपना घर पहुंच गए थे। लेकिन जब मैं इधर आके बेलूर मठ आके जब प्रसाद लिए तब मुझे देर हो गए थे, लगभग घर जाने के लिए लगभग 1:30 बज गया था, क्योंकि इधर प्रसाद लेने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन था, तो इस वजह से घर जाने के लिए देर हो गया था। अगर आप लोग इधर इस मंदिर में आते हो, माँ दक्षिणेश्वर के बाजू में भी प्रसाद मिलता है, अगर आप लोग चाहते हो तो उधर वो ग्रहण करने के लिए। तो मैं जिस दुकान से मैंने प्रसाद लिए थे उसी दुकान का शॉप नंबर और फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन करके बता दीजिएगा, कूपन रख देगा। अगर आपको आने में लेट भी हो जाता है फिर भी कोई बात नहीं, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कितने समय से कितने समय तक ये प्रसाद देता है, वो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो तो कैप्चर किए थे लेकिन कैसे डिलीट हो गया पता नहीं चला, लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा है। मैंने सोच रहा था वीडियो करूं या ना करूं, फिर सोचा ठीक है वीडियो कर ही लेता हूं, तो छोटा सा कुछ वीडियो मैंने किए। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।